माइक तो भाई चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं। और अभी तो गली में और इस रोड पे बहुत ज्यादा यार खड्डे भी हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, माय नेम इज दिव्यांश, स्वागत है आपके ब्लॉग में। तो भाई आज ब्लॉग हमारा शाम ही हो गया, ऑफिस से आए हैं, अभी टाइम हो रहा है 6 सॉरी 7 बज गए और हम अपना मोटो ब्लॉगिंग का स्टार्ट करेंगे और इसका सेटअप कर रहे हैं। बैठे हुए भाई साहब, इन्होंने सब पैडिंग वेडिंग निकाल दिए हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि हम अपने हेलमेट पे हमने GoPro मंगाया है, ये माउंट करेंगे और इसकी एक्सेसरीज मंगाई है बहुत सारी। तो दिखाते हैं आपको ये कैसे माउंट करेंगे हम। पहले हमने इसकी पैडिंग वेडिंग निकाल दी है, पर ये पूरा सेटअप कर ले पहले हेलमेट को, फिर दिखाएंगे क्या क्या लगा रहे हैं इस पर। पहले आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले चाहिए एक अच्छा सा हेलमेट। हमने स्टील वर्ड का हेलमेट हमने काफ़ी टाइम में पहले ही परचेज करा था, शिवम यूज़ करता है इसे। और इसकी जैसे ही अपने पैडिंग वगैरह निकाल लिया है, माइक इंस्टॉल करेंगे और ये इसकी पैडिंग वगैरह। और हमने GoPro अभी ने गिफ्ट किया, GoPro पहले ही मंगा लिया था हमने। और ये माउंटिंग GoPro की, और सबसे मेन पार्ट हमने मंगाया ये अडेप्टर। आपको GoPro का अडेप्टर मिल जाएगा, ये वाला अडेप्टर आएगा, ये अडेप्टर, ये 4500 का अडेप्टर है माइक को इंस्टॉल करने के लिए। और ये छोटा सा माइक ये हमने मंगाया था इसमें। अब सारी एक्सेसरीज दिखाएंगे हम कैसे इस हेलमेट में माउंट करेंगे नंबर वाइज, तो आप देखते रहिए कैसे कैसे माउंट करेंगे। पहले ये स्ट्रैप्स हैं, इनको यहाँ पे करके इसको पहले माउंट करते हैं। अगर माउंट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको कैसे माउंट होगा प्रॉपरली। इसमें ऐसे माउंट करेंगे इसे भाई, ये हेलमेट पे हमने ये माउंट कर लिया GoPro का माउंट। और देखो ऐसे माउंट होगा ये पूरा, यहाँ पे स्ट्रैप्स इसकी टाइट कर दिया हमने, यहाँ लॉक लगे हुए हैं तो लॉक कर दिया। और ये यहाँ पे GoPro उसके अंदर माउंट होगा, वो भी दिखाते हैं कैसे होगा। पहले हम इसका जो कवर है ये हमारे साथ हमने ये भी ऑर्डर किया, इसके अंदर GoPro लगेगा, वो दिखाता हूँ कैसे GoPro लगेगा। तो भाई पहले ये लॉक है, इसको ये अनलॉक कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे एक और लॉक है ये, और इस लॉक को अनलॉक कर लेंगे। यहाँ GoPro आप जब भी GoPro लोगे तो ये GoPro की जहाँ बैटरी लगती है यहाँ से आप इसको निकाल लेना, इसका ये कवर निकल जाएगा जब भी GoPro इसके अंदर जाएगा। GoPro को इसके अंदर डाल देंगे, GoPro इसके अंदर फिक्स हो गया, इसको यहाँ से हम लॉक कर देंगे। इसलिए होता है कि GoPro में यहाँ फुल कवरिंग है और यहाँ पर हमें माइक लगाना है तो ये ज़रूरी है। और यहाँ से इसको तो ये इंस्टॉल हो गया और इसको हम माउंट करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम इसको माउंट कर देंगे। माउंट करके दिखाते हैं आपको कैसे। माइक मंगाया था, छोटा सा माइक है और ये अडेप्टर हो गया। इस अडेप्टर को यहाँ पे ऐसे अडेप्टर लग जाएगा, इसमें अडेप्टर लग जाएगा, सॉरी उल्टा लगा दिया, यहाँ से ऐसे अडेप्टर लग के इसमें अडेप्टर लग जाएगा। और फिर माइक को पहले माइक को इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हमने इसकी पैडिंग निकाल ली है, पहले माइक को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे GoPro माउंट होगा। तो भाई ये देखो मैंने पूरा GoPro यहाँ पे माउंट कर दिया, यहाँ पे माउंट हुआ, यहाँ पे अडेप्टर लगाया, ये माइक को हमने यहाँ पे माइक इंस्टॉल कर दिया पूरा, यहीं पर पैडिंग के अंदर माइक की वायरिंग कर दी, ये पूरा GoPro हमने यहाँ पे माउंट कर दिया। और देखो अभी हम चलते हैं, राइट पर हमें कहीं जाना है बाहर दोनों भाइयों ने, तो वहाँ चलते हैं बैडमिंटन खेलने जाएंगे शायद। तो आपको पूरा दिखाएंगे कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, और माइक भी टेस्ट कर लेंगे बट इसका कि माइक सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलो भाई वह तो भाई चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं। और अभी तो गली में लाइट भी नहीं थी, अभी भी जस्ट लाइट आई है। अभी पहले भैया और के साथ पास जाना है मैंने, वहाँ चलते हैं पहले उनके पास। और मेरे को लग रहा है शायद माउंट सही हुआ नहीं है क्योंकि बाइक की दिख रही है आगे का कुछ व्यू वगैरह कुछ भी दिख नहीं रहा, तो इसका माउंट भी एक बार सही कर लेंगे इसे। अभी यहाँ से चलते हैं, अब मेरे ख्याल से दिख रहा है। और ना फर्स्ट टाइम ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ तो ज़्यादातर नज़र ना नीचे ही जा रही है, मतलब जो कैमरे की स्क्रीन है उसी पर जा रही है। एक बार आदत हो जाएगी जो सामने बंदा देखेगा, तो मेरे ख्याल से अब व्यू बिल्कुल सही आ रहा है। मैं कैमरे में देख रहा हूँ, कुछ सीधा ही देख रहा हूँ। तो चलते हैं और यहाँ से गलियों में से निकल जाते हैं यार पहले एक बार ना। तो भाई हमारे पास जो रैकेट वगैरह था ना, वो रैकेट वगैरह तो गाड़ी में रह गया, तो भैया और को भेजे मैंने रैकेट लेने के लिए। और बाइक में मैं को पेट्रोल डलवाना था, मैंने कहा मैं इतने पेट्रोल डलवा लूँ तो हम तो इतने चलते पहले पेट्रोल डलवाने। और रात का टाइम हो रहा है, इस रोड पे लाइट्स और नहीं है। ये हेलमेट के साथ तो बस भाई यहाँ पे पुलिस वाले ना मिले,
क्योंकि पीछे मोहित बैठा है, मोहित ने हेलमेट पहना नहीं है। और मेरे को लग रहा है माइक में बहुत ज़्यादा ना मतलब हवा की मतलब आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा। बाकी तो रिकॉर्डिंग के बाद पता चलेगा, जब रात को एडिटिंग करने बैठेंगे उसी में पता चलेगा। और टाइम हो गया भाई 8:40 और हम लेट हैं पहले बहुत ज़्यादा, और फिर ट्रैफिक भी मिलेगा यहाँ पे। देखो यहीं से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया, बहुत ट्रैफिक है। देखो यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं, बट ने हेलमेट पहना हुआ है, एक ही ने पहना है, पुलिस वाले तो बहुत सारे खड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ से मेन जाम स्टार्ट होगा क्योंकि आगे चौक एक और वहाँ पे हेलमेट भी है, तो हमें बच बच के निकलना पड़ेगा। यहाँ से सारे बंदे साइड हो जाते हैं कि यहाँ पुलिस वाले होते हैं तो अंदर गली में से रास्ता है वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी देखो आज वीकेंड है तो यहाँ पे रश कम ही मिला है, जैसे यूजुअली से मिलता है इस टाइम पे, तो पुलिस वाले होना क्योंकि मेनली जाम के लिए खड़े होते हैं, तो कोई बंदा टकर गया तो उसको पकड़ लिया, नहीं तो नहीं। चलो यहाँ से तो निकलो, चलो यहाँ पे तो कोई नहीं, हम इतने बस पेट्रोल पंप आने वाला है, पेट्रोल डलवा लेते हैं। बस आ गया पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं। भैया को वेट भी, भैया को मैंने बोल दिया वो यहीं आ जाएंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई पेट्रोल वगैरह सब कुछ डलवा लिया, और अभी मैंने पेट्रोल पंप पे चेक किया, सारे वॉइस वगैरह सब तो बढ़िया आ रहा है, सब मतलब पास है एकदम बढ़िया। कल सुबह हम लोग जाएंगे राइड पे, मतलब वहाँ बुलेट का ग्रुप है तो बुलेट तो है नहीं, तो भैया के पास बुलेट है तो हम दो एक ही पे जाएंगे। सुबह 6 बजे या 6:30 बजे फ्लाई ऑफ होगा वहाँ से गुड़गांव रोड से, वहाँ से फिर जाएंगे, पहले ब्रेकफास्ट है, फिर स्विमिंग पूल है, वहाँ पर पूल स्विमिंग पूल जाएंगे, फिर वहाँ से दोबारा राइड करते हैं फिर घर। देखते हैं कल कैसा फर्स्ट टाइम रहेगा मेरा एक्सपीरियंस। इनका GoPro लिया है तो उसके पैसे तो वसूल करें क्यों भाई। तो अभी तो चलते हैं। हम बाइक भी हमारी थोड़ी ऐसी सी है, अभी इसने सर्विस भी नहीं कराई है और है भी ये 160cc में ही है, तो इसका क्या ही पिकअप है, बस ये है कि हाँ है स्पोर्ट्स बाइक है, नाम की है। तो आप लोग थोड़ा चैनल पे प्यार दिखाओ कि आगे हम न्यू बाइक्स ले सकें और ऐसे इस चैनल को बढ़ाएं। अभी तो चलो चलते हैं भैया, और कहाँ रह गए, पीछे रह गए भैया और हैं पीछे वो, अरे वो है ना, अरे वो उधर है भाई पीछे, किसको देख रहा है, वो उनको देख रहा हूँ मैं, वो थोड़ी है, वो नहीं है पक्का, हमारे पीछे है ना। टाइम हो गया भाई 8:50, तो जल्दी जल्दी चलते हैं पहुंचेंगे क्योंकि 9 से 10 की टाइमिंग है। 9 से 10 की इसलिए ली, पहले हम लेट थे 8 से 9 की, 8 से 9 में चार्जेस बता रहा था 450 रुपये पर आवर, और 9 से 10 में 250 रुपये, भाई 200 रुपये बचते हैं घंटे के, क्या दिक्कत है अपना। तो चलो यहाँ से चल रहे हैं, 4 बंदे हैं कि कोर्ट में खेलेंगे बढ़िया। भाई 9 तो बज गए यार, अभी तक हम पहुँचे नहीं, भैया और भी पीछे ही हैं। ये भैया को कॉल करियो, कहाँ पहुँचे भैया को कॉल करियो, कहाँ पहुँचे। और इस रोड पे बहुत ज़्यादा यार खड्डे भी हैं, और इतने गहरे गहरे बने हुए हैं ना खड्डे, भी आप लोगों को दिखेंगे रात का टाइम में, पता नहीं दिखे भी ना शायद। और ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया है,
तो भाई पहुंच गए हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आज देखो कितनी भीड़ है, वैसे आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती, आज तो तगड़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट के लिए कम से कम 12 बंदे चाहिए, कम से कम 12 बंदे चाहिए क्रिकेट के लिए। यहाँ बाइक का दीपक है, हाँ मैच रख लेते हैं। चलो भाई चलते हैं यहाँ पे, मेरा फ़ोन तेरे पास है ना, और देखो यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। तो भाई पहुँच गए बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ देखो सारा चल रहा है, आज वीकेंड है, रेट भी ज़्यादा ही है। आज स्टार्ट करते हैं अपना मैच। टीम टीम हैं हम दोनों, एक में वो एक में, आ जाओ मोहित भैया, टीम टीम ना, बैग मेरा, हाँ जी हाँ जी रख दो, स्टार्ट करते हैं मैच अभी। भाई 7-8 गेम खेल लिए, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए, अब जाके कूलर चलाया हमने, और देखो बिल्कुल पंखे वंखे कुछ भी नहीं है, बहुत गर्मी हो गई। पर भी कैसा चला, हार के कैसे लगा? नेक्स्ट टाइम बताएंगे। दूसरा मैच स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा नहीं मतलब ब्रेक लिया, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। चले भैया, हैं हाँ कल सुबह राइड पे भी जाना है, चलोगे राइड पे कल सुबह? कल सुबह हाँ चलो। कहाँ हेलमेट कहाँ आपका? आओ चलो चलो साथ चल रहे हैं, तेज चला ना। राजू भैया कहते राजू भैया तेज नहीं चलाते, चलते चलाने लायक भी तो हो गए ना भैया, ना ले ली मैंने। घर जा रहे हैं, चलो चलो ठीक है, आ रहा हूँ आराम से। चलो भाई निकलें घर यहाँ से, बहुत पसीना पसीना हो गया यार पूरी, और घर जाने में टाइम लगेगा, 10:18 हो रहे हैं, घर जाने में टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट तो लगे जाएंगे, बट इस टाइम जाम नहीं मिलेगा, सीधे सीधे रास्ते जाना है। और बढ़िया था जैसे भी था आज का मैच, मेन तो ब्लॉक था, ब्लॉक का पता चल रहा है कि कैसे ब्लॉक चल रहा है नहीं चल रहा। चलो ब्रेकर है, रात में दिखते भी नहीं है ऐसे ब्रेकर, यहाँ बीच बीच में लाइट्स हैं और कई जगह पर लाइट्स ही नहीं है बिल्कुल, जो कितना सुनसान एरिया है यहाँ पे। इस साइड में से एक नहर जा रही है, बिल्कुल ही सुनसान एरिया है सारा। कल सुबह तो बुलेट पे जाना है, देखो कल कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे, आधा दिन तो मान के चलो। ओ भाई यहाँ देखो कितने सारे खड्डे ही खड्डे हैं सारे, बीच में आग लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे साइड में। तो भाई बस पहुँच गए हम घर, मतलब घर के आसपास ही हैं, थोड़ा सा दूर रहेगा घर हमारा, यहाँ से पहले मोहित को ड्रॉप कर देते हैं फिर चलते हैं घर। तेरी गली के कुत्ते और तू, फोन किसका है? अरे कॉल आ रहा है, अनमोल क्यों कॉल कर रहा है इस टाइम, अनमोल क्यों कॉल कर रहा है? मोहित को कर दिया ड्रॉप और अब बस हमारा घर भी बस आने वाला है, थक गए यार पूरा आज।
और यहाँ पे सब जगह खट्टे बहुत बुरे बना रखे हैं ना यार। चलो बस आ गया घर। और GoPro में बैटरी भी 1% है। घर पहुँचते पहुँचते बंद हो ही जाएगा लग रहा है। आ गया घर हमारा। ये लो भाई पहुँच गए घर। बाइक वगैरह अंदर ही कर देते हैं।